महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई, जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई, जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा मुझे याद है दशरथ जी की, आज आपने यज्ञ का आयोजन अपने पुत्रों के तर्पण किया, पुत्र नारायण निश्चिंत हम समय से पहले पहुंच जाए। आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ, अभी आप पति पत्नी हो गए। आपके व्यंग में देवी सावित्री के प्रति प्रशंसा और गाय गाय के प्रति क्रोध होता है, परंतु एक स्त्री होने के नाते मेरा विरोध करना और क्रोधित होना स्वाभाविक है। मैं आपके नारी अधिकार और आवेश का सम्मान करता हूँ, अब कृपया शांत चित्त से दर्पण बैठिए और इस घटना का लाभ लाभ लाभ। हाँ प्रभु, हम इस समय केवल एक दर्शक की भूमिका में, इससे अधिक और कुछ कर भी नहीं सकते। देवी सावित्री के क्रोध को शांत करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यज्ञ आरंभ कीजिए। हरि ओम मा कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्। पुत्र नारद, ये ब्रह्मदेव के समीप कौन सी देवी बैठी है? नारायण नारायण, मातरम मैं तो आप ही के साथ आया हूँ, मैं भी इनके परिचय से अनभिज्ञ हूँ। ठहरिए, रोक दीजिए यज्ञ। मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी प्रतीक्षा ना करके मेरे स्थान पर किसी अन्य स्त्री को बिठा कर आपने उसे पत्नी का स्थान दिया है। यह आपने मेरे अधिकारों का हनन किया है। मैं शपथ पूर्वक नहीं नहीं मानती, ऐसा अनर्थ करती हूँ। इस संपूर्ण भूमंडल पर आपकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। नारायण नारायण। देवी सावित्री, और आपके इस अपराधजनक कार्य में देवताओं ने भी अपना साथ दिया है। देवराज इंद्र, आप तो देवताओं के राजा हैं। आप भी ब्रह्मदेव के इस कार्य में उपस्थित रहे, किंतु उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। आप भी पाप के भागी हैं। इसी कारण मेरा आप पर श्राप है कि आप अपने जीवन कभी भी विजय नहीं पा पाओगे। क्षमा करें माते,
क्षमा करें हे माता, मैं तो परमपिता ब्रह्मदेव के इस यज्ञ में निष्प्रयोजन ही उपस्थित हो गया था, किंतु माते आपने तो मुझे भी श्राप दे दिया। माते मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे श्राप से मुक्त करें। धनपति कुबेर, आप कदाचित इनके मत में चूर होकर उचित अनुचित की परिभाषा भूल गए। आप इस अनुचित कार्य से ब्रह्मदेव को रोक सकते थे, किंतु आपने नहीं रोका। मैं आपको श्राप देती हूँ, तुम धनहीन हो जाओ। नहीं माते, नहीं, ऐसा अनर्थ मत करिए। कृपा माते, कृपा, आप अपना श्राप लौटा लीजिए। पृथ्वी लोक पर जिसे सर्वश्रेष्ठता का गौरव प्राप्त है, उस उच्चनीय ब्राह्मण ने भी लोक के वशीभूत होकर आपको सहयोग प्रदान किया है। ब्राह्मण देवता भूलोक के पूजनीय धर्म ज्ञाता विद्वान, आपका अपराध अक्षम्य है, इसलिए श्राप देती हूँ। मेरे श्राप से ब्राह्मण सदैव धनहीन रहेंगे। देवी, आपका क्रोधित होना सर्वदा उचित है, किंतु मेरा कोई अपराध नहीं है। पूजनीय ब्रह्मदेव के आमंत्रण पर मैंने एक कार्य संपन्न किया। ये जानते हुए कि एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना उचित नहीं है, फिर भी आपके द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ, इसलिए आप श्राप के भागी हैं। देवी सावित्री, माते, ब्राह्मण देव, आप यज्ञ का कार्य प्रारंभ करें। प्रजापतये नमः। माते, तुम माते तनिक रुक जाइए। माते, तनिक रुक जाइए, इतना क्रोध उचित नहीं। माते, कदाचित विलंब होने के कारण एवं कहीं रूप मुहूर्त निकल न जाए, इसलिए पिताश्री ने ऐसे किया होगा। किंतु आप तो ज्ञान की देवी, और इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। माते, पुत्र नारद, कदाचित तुम्हें यह ज्ञान कि एक स्त्री के उसका पति ही सर्वस्व होता है। पति पत्नी के मध्य किसी अन्य स्त्री का प्रवेश एक पत्नी के लिए असहनीय होता है, चाहे वो स्त्री साधारण हो या फिर कोई देवी। इसलिए हे पुत्र, तुम मुझे समझाने का प्रयत्न ना करो, अन्यथा अन्यथा क्या बात है? अन्यथा तुम भी मेरे श्राप के भागी बन जाओगे। नारायण नारायण। देवी गायत्री, कहिए स्वामी। देवी सावित्री के शाप से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में अपूज्य होने का अर्थ है मेरा तिरस्कार। स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, अब आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ, इसी कारण इस चिंता से मुक्ति प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने सात्विक पुण्य के प्रभाव से आपको पूर्ण रूप से तो नहीं, किंतु आंशिक रूप से अवश्य चिंता मुक्त कर सकती हूँ। अर्थात मेरे पुण्य के प्रभाव से संपूर्ण भूमंडल पर भले ही आपकी पूजा ना हो, किंतु इस स्थान पर जहाँ हमारा परिणय हुआ है वहाँ आपकी पूजा हो। पूजा करने वाले समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। किंतु देवी, मेरे इस कार्य से अनायास ही देवराज इंद्र, धन कुबेर और समस्त ब्राह्मणों को शापित होना पड़ा, यद्यपि उनका कोई दोष नहीं। हाँ देवी, धनहीन होकर मैं अत्यधिक कष्ट प्राप्त करूंगा। कृपा करके आप मुझे इस शाप से मुक्ति प्रदान करें, आपका उपकार होगा। हे देवी, अधिकांश दैत्य तप करने के बाद शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और उसके पश्चात उनकी प्रथम दृष्टि इंद्रलोक पर ही होती है।
देवी। उनका प्रथम लक्ष्य होता है इंद्रासन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। हे माता, यदि आपने मुझे देवी सावित्री के श्राप से मुक्त नहीं किया तो इंद्रलोक पर सदा सदा के लिए असुरों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। उपकार करें माता, उपकार करें, मुझे इस श्राप से मुक्त करें माता। धनपति कुबेर, क्योंकि आपका कोई दोष नहीं है, दोष रहित होने के कारण मैं आपको पूर्ण रूप से श्राप मुक्त करती हूँ और देवराज को आशीर्वाद देती हूँ, युद्ध में हार कर भी स्वर्ग में निवास करेंगे। धन्य है देवी, आपकी कृपा धन्य है। आपने हम पर उपकार किया, आपको कोटि कोटि नमन। ब्राह्मण देवता, क्या आप देवी सावित्री के श्राप से मुक्त नहीं होना चाहते? आपने अपने श्राप मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया? हे देवी, ऐसा कौन सा प्राणी है जो श्राप से मुक्त नहीं होना चाहता? हम दुर्बल ब्राह्मण हैं। कृपा प्राप्त हो जाए तो भी प्रसन्न, न प्राप्त हो तो भी प्रसन्न। हमारा उद्देश्य यजमान का कल्याण ही होता है। यद्यपि देवी सावित्री ने अनायास ही ब्राह्मणों को श्राप का भागी बनाया, फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपकी नम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ ब्राह्मण देवता। जिस प्रकार मैंने आपको देवता कहकर संबोधित किया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूलोक के मानव आपकी देवता के समान पूजा करेंगे, सर्वत्र आपको सम्मान प्राप्त होगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवी गायत्री, आपकी कृपा से हम सभी को श्राप से मुक्ति मिली। मेरे मुख से उच्चारित आपके इस महामंत्र को जो भी प्राणी श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करेगा उसके समस्त दुखों का शमन होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। आपकी अति कृपा स्वामी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु, निष्प्रयोजन इस मंत्र पाठ का क्या तात्पर्य है और ये कौन सा मंत्र है? गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र? हाँ, इस मंत्र का प्राकाट कुछ ही क्षण पूर्व ब्रह्मदेव के मुख से, इस मंत्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो गया। किंतु स्वामी, इस महामंत्र का अर्थ भी जगत कल्याण ही तो बता दी। अर्थात उस प्राण स्वरूप दुख नाश सुख स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धर। हे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर। धन्य हो देवी गायत्री, आपने तो प्रकट होते ही जगत कल्याण का कार्य आरंभ कर दिया। मैं आपको नमन करती हूँ। भगवान, किंतु एक प्रश्न मेरे मन को उद्वेलित कर रहा है। कौन सा प्रश्न? क्या देवी सावित्री का इस तरह क्रोधित होकर श्राप देना उचित? कदाचित सर्वप्रथम उन्हें कारण तो जान ही लेना चाहिए, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अब भी क्रोधावस्था में ब्रह्मदेव उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
देवी सावित्री, इस प्रकार आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता? कोई इच्छा से क्रोध नहीं करता ब्रह्मदेव, क्रोध कारण से उत्पन्न होता है। क्या मेरे अनुमति के बिना आपका विवाह करना उचित है? मेरा ये विवाह उचित और अनुचित पर नहीं, अपितु समय की आवश्यकता पर निर्भर था। मुहूर्त निकल जाने के पश्चात कदाचित वह शुभ मुहूर्त प्राप्त करना असंभव था, जिस कारण मुझे ये कार्य करना पड़ा। अब तो क्रोध त्याग दें। क्रोध का त्याग तभी संभव है जब आप हमें शपथ पूर्वक ये वचन देंगे कि आप भविष्य में कभी भी कोई अन्य विवाह नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूँ। नारायण नारायण प्रणाम माता। आओ पुत्र। आपके मुख से पुत्र का संबोधन सुनकर मन तृप्त हो गया। आपको पुनः शत शत प्रणाम। पुत्र को पुत्र ही कहा जाता है देवश्री। मैं भले ही आपकी वीर हूँ पर हूँ तो आपकी माता। आपका कथन सत्य है माता। आपकी कृपा से पिताश्री को अपूज्यता के श्राप से मुक्ति मिली, और इतना ही नहीं, आपने अपने पुण्य के प्रभाव से देवेंद्र, धन कुबेर एवं ब्राह्मण जाति का भी कल्याण किया। आपके मंत्र की महिमा। ब्रह्मदेव के मुख से निकले हुए मेरे महामंत्र को जो कोई प्राणी हृदय से पाठ करेगा उसके हृदय में परमात्मा का वास होगा, धन धान्य से पूर्ण होगा, अंत में सायुज्य लोग अर्थात सत्य योग में उस प्राणी को स्थान मिलेगा। नारायण नारायण। और आज तक देवी गायत्री का यह महामंत्र जगत का कल्याण करता आ रहा है। पर सोनी बिटिया, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कारण पुष्कर एक तीर्थ स्थान बन गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। अरे वाह चाचा जी, आप तो ज्ञान के भंडार है। सच में आनंद आ गया पुष्कर की कथा सुनकर, और वेद माता गायत्री के बारे में मुझे तो कुछ जानकारी ही नहीं थी। थैंक यू चाचा जी। आपकी सोच में डूब गई। अरे कथा सुन ली, चलो वापस लखनऊ चलते हैं। हाँ लखनऊ। हाँ भाई, वहाँ से एक जजमान का फोन आया था, उनके घर पर पूजा करनी थी, तो दक्षिणा भी मिल जाएगी। चाचा जी आप फिर से दक्षिणा की बात कर रहे हैं। अरे बिटिया, पूजा भी तो कमाई। शक्तिपीठ की कथा कौन सुनाएगा, ये तो आपने पुष्कर की कथा सुनाई, अब शक्तिपीठ की कथा भी सुनाइए। शक्तिपीठ की कथा बिटिया, ये तो पुष्कर जाकर ही पता चलेगा। चाचा जी फोन। हाँ हाँ सुन। हेलो। हाँ सोनी, मैं श्रुति बोल रही हूँ, रितेश की बहन। अरे हाँ दीदी। तुम लोग कहाँ तक पहुँचे हो? एक मिनट। हाँ दीदी। चाचा जी बस को और कितना टाइम है? बस बेटा दो चार मिनट में आने ही वाली होगी। दीदी बस अभी तक आई नहीं है, जैसे ही बस आती है हम बैठ के आपको इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है सर। ओके दीदी बाय। चलें एक बार चल के देख लेते हैं। चलिए चाचा जी, पुष्कर पहुँच के मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म करना है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे पुष्कर में तो उनकी जान पहचान का भी तो कोई नहीं है। इतना चिंता क्यों करती हो? अरे मैं उसकी माँ हूँ, मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अच्छा तो मैं उसका कुछ नहीं लगता क्या? आखिर मेरी भी तो बेटी है ना। अच्छा अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि वहाँ वो कहाँ रहेंगे, मतलब होटल में रहेंगे क्या? और होटल में रहना कितने बड़े रिस्क की बात है। तुम भी सही कह रही हो, अभी तक जितने भी यात्रा की उस दौरान मेरे या तो चौबे जी के कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई ना कोई दोस्त उनके मिल ही गए थे रुकने के लिए, पर यहाँ कोई नहीं मिल रहा। तो फिर इसका मतलब वो होटल में रहेगी? अरे पूरी बात तो सुन लिया करो, बीच में पहले ही टपक जाती हो। सोनी का फोन आया था। अच्छा क्या कह रही थी फिर वो? पुष्कर में कोई उसका फ्रेंड है रितेश, उसका घर है।
और रितेश घर पर नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी बहन घर पर है रितेश की। क्या नाम बताया था उसने? हाँ, श्रुति शर्मा। तो उसके साथ वो रुकेगी। हाँ, अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छा सुनो, वो लोग पुष्कर पहुंच गए होंगे ना? हाँ, जब कुछ देर पहले फोन पर बात हुई तब उसने बताया था कि बस पहुंचने ही वाले हैं। मेरे ख्याल से अभी तक तो पहुंच ही गए होंगे। चाचा जी, श्रुति दीदी। कहाँ? इधर? वहाँ, उधर। हाय सोनी, मैं यहाँ हूँ। अरे श्रुति बिटिया, हम यहाँ हैं। नमस्ते सर। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और कैसा रहा तुम्हारा देवकूप से पुष्कर का सफर? बहुत अच्छा भाई, मैं तो बस के सफर से बहुत थक गया हूँ। घर चलकर खाना वाना खा के आराम करना चाहता हूँ। जी चाचा जी, आप घर चलिए, पहले फ्रेश हो जाइए, फिर आराम कीजिएगा। कल सुबह दर्शन करने चलेंगे। बिल्कुल दीदी। मैं सोच रही थी कि अगर हम आज ही दर्शन कर ले तो। आज? हाँ, मेरा मन कर रहा है। बेटा अगर कल दर्शन कर लेंगे ना तो। चाचा जी, हम आज ही दर्शन कर लेते हैं ना, इसमें क्या बुराई है? हम इतने दूर से आए हैं तो क्यों दीदी? बिल्कुल, रितेश ने कहा था कि पहले दर्शन कराना फिर घर लेकर जाना। तेरी जिज्ञासा देखकर ना मैं बहुत खुश हूँ। पहले दर्शन करेंगे फिर घर चलेंगे। अब खुश? ठीक है भाई, पहले दर्शन फिर भोजन। चलिए। मेरे विचार से छोटे भैया को। छोटे भैया को क्या? छोटे भैया को हमारे प्रेम का भान हो चुका है। क्या दाऊ भैया अर्जुन और मेरी ननद का प्रेम स्वीकार करेंगे? तो अवश्य ही देव की नंदन गोकुल की यात्रा पर। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, गोकुल नंदन भी नहीं आए। तो ये लीला उनके किस प्रेम से संबंधित है? देवी रुक्मणी तो उनके साथ ही है। माता पार्वती, द्वारकापुरी में अवश्य कुछ होने वाला है।